3, 2, 1. नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के अंबेडकर नगर से, जहां राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्म बाबा के निकट प्रधानी व पुरानी रंजिश को लेकर प्रधान पति व उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। प्रधान पति व उसका भाई दोनों किसी काम से तहसील गए थे। वापस आते समय रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मल्लूपुर मझंगवा गांव के प्रधान पति अनिल मिश्रा अपने भाई सुरेंद्र मिश्रा के साथ आलापुर तहसील से वापस लौट रहे थे। ब्रह्म बाबा के निकट बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सकों की सलाह पर आजमगढ़ ले जाया जा रहा था। दोनों की रास्ते में मौत हो गई। घटना भूमि विवाद के साथ प्रधानी चुनाव के रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जावेद एएमओ पोस्ट पे सदर अस्पताल में हूँ। यहाँ पे दो पेशेंट आए जिनको गोली लगी थी, जिसका नाम था सुरेंद्रनाथ मिश्रा और अनिल मिश्रा, ठीक है। ये मझगवां के रहने वाले थे, राजे सुल्तानपुर के। मैंने देखा ये मृत्यु हालत में थे, तो इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लगभग कितनी गोली लगी रही होगी? 2-3 लगी थी। अच्छा, 3 लगी। इलाज के दौरान रास्ते में मौत हो गई? वो यहाँ पे मृत्यु अवस्था में आए थे, कोई इलाज नहीं हुआ, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नरेंद्र सिंह जी, कैसे क्या घटना हुआ है? ये कि तहसील पे गए थे प्रधान जी, प्रधान पति थे जी, इनका नाम अनिल मिश्रा था, इनके भाई आर्मी में थे मन्नी मिश्रा, और वहीं से आ रहे थे। नाम डलवाना उलवाना था तहसील पे जी जी, बढ़ाना घटाना, और विपक्ष वाले अपना घात लगा के बैठे, सुमार दिए। लगभग कितने लोग रहे होंगे वो लोग? अरे 25-30 की संख्या में रहे। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब राइफल बंदूक रिवाल्वर ये सब था क्या? मतलब जमीनी मामला था कि क्या? चुनावी प्रधानी का चुनाव जी। पुलिस कब तक पहुंची वहां पे? अब वहां से सब लोग हट लिए, पुलिस पहुंची होगी, अब जो भी पहुंचा होगा, हम लोग तो यहाँ चले आए। अच्छा जी, लगभग कितने लोग हैं? मृत्यु हुई है? 2 लोग एक्सपायर हो गए। अच्छा।